हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूके आर्ट गैलरी। तो आज मैं आपको इलायची पैटर्न का टेबल क्लॉथ दिखाने जा रही हूँ। तो स्टेप वन में हम लोगों को एक स्ट्रिप तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। तो एक स्ट्रिप में मैंने अभी 10 काटे किया है यहाँ पे, और ये 10 काटे होने के बाद हमें उसको एक राउंड शेप देना है। तो ये हमारी 10वीं गांठ है। तो फर्स्ट स्ट्रिप से हम लोगों को उसको जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद ये हमें एक राउंड शेप में मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें अभी एक डिस्टेंस का 3 गांठें लगानी है। ये तीसरी गांठ है। तो यहाँ से अभी हम इलायची बनाने वाले हैं। तो अंदर से हमने जो राउंड किया है उसके अंदर से हमें वो नॉट बाहर निकालनी है अभी। तो यहाँ पे मैंने 6 टर्न्स लिए हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये लास्ट वन है, 6। आप 6, हाँ 6 लिया है। तो अभी अंदर से आपको ये स्ट्रिप बाहर निकाल के और एक गांठ लगानी है यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इलायची रेडी हो गई है, फ्लफ़ी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जितने ज़्यादा टर्न्स लोगे उतनी अच्छी आपकी इलायची प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आपने बहुत कम टर्न्स लिया है तो आपकी वो पैटर्न इलायची का नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है और अभी ये मैं जॉइन कंप्लीट कर रही हूँ फर्स्ट राउंड का। और सेकंड राउंड में किस तरह से मोती यूज़ किया है वो देखना है। तो अगर पास ये मोती ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इस टेबल क्लॉथ के लिए डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ किया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो इलायची के बीच में यहाँ पे एक गैप आया है, तो नेक्स्ट राउंड में वो गैप भर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिंक ब्लैक मिक्सचर यूज़ किया है कलर कॉम्बिनेशन का। तो आपके पास जैसे भी कलर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इन बिटवीन मैंने मोती का भी यूज़ किया है, वैसे ही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे ब्लू भी यूज़ किया है, ब्लू वही पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने बेस कंप्लीट किया है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पैटर्न बनाया है। तो फर्स्ट मैंने 5 ब्लू कलर की इलायची डाली है और फिर ब्लैक कलर डाला है, अगेन 5 इलायची पिंक कलर की डाली है और उसके बाद ब्लैक डाली है फर्स्ट राउंड में। तो सेकेंड राउंड में 4 ब्लू कलर की इलायची, 1 ब्लैक कलर की, 1 ग्रीन कलर की डाली है बीचों बीच, फिर से 1 ब्लैक कलर की इलायची और अगेन 4 पिंक कलर की इलायची डाली है। तो इस तरह आपको पैटर्न कंप्लीट करके एक ग्रीन लीफ की तरह प्रिपेयर करना है। तो अभी पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वो ब्लू पिंक और ग्रीन किस तरह का शेप लिया है उसने। तो इन बिटवीन मैंने उस पर मोती भी डाली। यह अभी मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है उसको टेल्स बनाने के लिए, आगे देख सकते हो आप। और ये हमारा टेबल क्लॉथ अभी रेडी है। तो आप ये टेबल क्लॉथ टेबल पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास टेलीफोन है तो वहाँ पे भी आप उस पर डाल सकते हो, लैपटॉप अगर ऑफिस का है तो उस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्लॉथ अभी रेडी हुआ है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन सब्सक्राइब करें। टिल देन सी यू अगेन, टेक केयर।